रोज से देखा है उसको, अब चमक जलाना भूल गए दिलताम कैसे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एक नई तरीके का वीडियो एडिटिंग सीखने वाले हैं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं किए हो तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको वीडियोस के डेली अपडेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज जो वीडियो ट्यूटोरियल होने वाली है वो काइंडमास्टर एप्लीकेशन में होने वाली है। आपको यहाँ पे काइंडमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे प्लस में चले जाना, उसके बाद यहाँ पे से देखिए ये 1:1 वाले रेशो को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको ये वाली ब्लैक स्क्रीन वाली ये वाली टेम्पलेट जो होगी ये वाली फ़ोटो ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वाली, उसके बाद यहाँ पे टिक कर देना है, फिर इस फोटो पे क्लिक कर देनी और इसे इस तरीके से एक्सटेंड कर देना है। यहाँ पर मैं 15 सेकंड तक एक्सटेंड कर देती हूँ, मुझे 15 सेकंड के स्टेटस बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपको लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है। आप जिस भी किसी फ़ोटो उसके वीडियो बनाना चाहते हो आप सिंपली उस वाली फ़ोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको ब्लैक शेडो दिया गया है, तो उस हिसाब से आपको फ़ोटो को रख लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको साइड में ऑप्शन मिल जाएगी क्रॉपिंग की, आपको इस तरीके से क्रॉप कर कर इसे प्रॉपरली एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। ठीक है, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। फिर ये वाली जो आपकी फ़ोटो होगी इसे भी एक्सटेंड कर देना अपने पूरे वीडियो में, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर देखिए आपको लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है, और यहाँ पे से आपको ये ब्लैक स्क्रीन वाली टेम्पलेट लिरिक्स वाली को ले लेना है। उसके बाद यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है, इसे थोड़ा छोटा कर कर यहाँ पर नीचे के साइड में रख देना है। नीचे के साइड में रखने के बाद यहाँ पर आप जब स्क्रॉल करोगे तो नीचे यहाँ पर देखिए आपको ब्लेंडिंग मिल जाएगी, ब्लेंडिंग पे चले जाना है, फिर यहाँ पर इसे स्क्रीन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिरिक्स का इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। इस लिरिक्स को हम थोड़ा और बड़ा करके यहाँ पर नीचे के साइड में रख देते हैं, तो ठीक है, तो इसका इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली वाटर ड्रॉपलेट्स वाले इफेक्ट लाने के लिए आपको लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है, और यहाँ पर से ये वाटर टेम्पलेट्स वाले इफेक्ट को ले लेना है ब्लैक स्क्रीन वाली, और इसे यहाँ पर रख देना है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे साइड में ऑप्शन मिल जाएगी क्रॉपिंग के, क्रॉपिंग पे चले जाना है, फिर से आपको प्रॉपरली एडजस्ट कर लेना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पे टिक कर देना है और यहाँ पे रख देना है। रखने के बाद यहाँ पर ये ब्लैक स्क्रीन वाले इफेक्ट को रिमूव करने के लिए आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर साइड में आपको ब्लेंडिंग मिल जाएगी, ब्लेंडिंग पे चले जाना है, उसे स्क्रीन कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी वीडियो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। मैं एक बार इसे प्ले करके दिखाती हूँ, तो इसका इस तरीके का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। तो इस तरीके का ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम रील्स वीडियो बनाना चाहते हो आप अपने मोबाइल फ़ोन में तो बहुत ही आसानी से बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। थैंक यू।